हमने बहुत बार कथा में कहा मुक्ति के शब्द का इतना सीमित अर्थ हमने कर दिया। मरने के बाद कुछ गति हो रही है उसके बारे में हमने मुक्ति शब्दों को जोड़ दिया। ऐसा नहीं, जरूर होगी, लेकिन अभी तक किसी का संदेश नहीं मिला है कि मृत्यु के बाद क्या हो रहा है। सब कुछ अनुमान हम मानते हैं, लेकिन भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने मुक्ति शब्द का ऐसा सुंदर अर्थ निकाला। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। आज सभी मनुष्य बंधे हुए हैं, बंधन में पड़ा है, और सारे बंधनों में से भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। और हम सभी जानते हैं मुक्ति के देवता तो भगवान शिव है, महादेवी मुक्तिदाता है, और कौन मुक्ति दे सकता है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे तो कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, अधिव्याधि उपाधि से मुक्ति मिल जाएगी, ताप संताप से मुक्ति मिलेगी, ऐसी बहुत सारी रोग पीड़ा से भी मुक्ति हो जाएगी। तो यहां ये बात भगवान व्यास ने कही, जो मनुष्य आदर से, भाव से, भक्ति से और गहरी श्रद्धा से जो कथा श्रवण करेंगे भगवान उसको मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा भगवान व्यास का वचन है। और कहा सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम, कितनी सुंदर बात है। जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है स्थान को क्या कहा, स्थान नहीं कहा, सदाशिव महास्थानम, जिस भूमि पर हम बैठे इस भूमि को कहते हैं महास्थान। महा क्यों वह लगाना जरूरी है, ये बात हम सब जानते हैं। जितने वस्तु महादेव के साथ जो हम जोड़ते हैं उसको महाशब्द से संबोधित करते हैं। जो महादेव का भजन करते हैं और महादेव जी को जो याद करते हैं उसको हम आत्मा नहीं कहते। महादेव के जो भजन करते हैं, महादेव का स्मरण करते हैं, महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, महादेव के पूजन अर्चन में जो निरंतर रत रहता है उसको आत्मा नहीं कहा जाता, उसको ही महात्मा कहा जाता है, जो महादेव को अर्पण हुआ है।